अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ, इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान गेम तैयार किया गया। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब